तो कृष्णा करुणा सिंधु तो है, किंतु वे केवल करुणा सिंधु ही होते और दीन बंधु नहीं होते तो क्या होता। अपने स्थान पर वे उनका करुणा सिंधुत्व रह जाता, तो भगवान के करुणा सिंधुत्व, करुणा के सागर जो कृष्ण है, उस करुणा का लाभ हमको देते हैं कृष्णा दीन बंधु बन के। हम जो दीन हीन यत छिलो हरि नामे उद्धारी लो, वो बात है। तो हम जो दीनहीन क्षुद्र पर कृपा कैसी होती, उनके दीन बंधुत्व की कृपा, करुणा की कृपा, वो करुणा का कटाक्ष, वो करुणा सिंधु कृष्ण का धाम का सानिध्य, या करुणा सिंधु कन्हैया के या धाम का वास और दर्शन, ये सभी तभी संभव है जब ये करुणा सिंधु दीन बंधु भी होते हैं। जय करुणा सिंधु की, दीन बंधु की। विशेष दीन बंधु के लिए थोड़ा और जय होना चाहिए। हम दीनों के बंधु, बंधु बांधव, बंधु बांधव या बंधु फ्रेंड मित्र, सुहृदम सर्वभूतानाम, इसीलिए तो हम यहाँ आज है। या ब्रजमंडल की परिक्रमा कर रहे हैं या फिर यात्रा में आए हैं, कुछ पैदल यात्रा कर रहे, कोई बस यात्रा कर रहे, लेकिन यात्रा तो कर रहे हैं। वृंदावन की यात्रा, तो ये सारा कृष्ण के अकारण की हुई करुणा का ही परिणाम या फल है। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। तो उस कन्हैया के आभार मानो, वे हमें यहाँ तक लाए। हमको यहाँ लाने वाले कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण ने बुलाया, बुलावा आ गया, इनविटेशन आ गया। कृष्ण कृष्ण द्वारा भेजा हुआ इनविटेशन हम तक भी पहुंचा और हम चले आए। तो हमारा यह वृंदावन में होना, फिर परिक्रमा कर रहे हैं या यात्रा ही कर रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट की बात नहीं है। एक्सीडेंटली हम ऐसे आ गए, अचानक आ गए, सहसा आ गए, पता नहीं क्या हुआ, कुछ घटना घटी या कुछ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट मतलब जब हमको कारण पता नहीं होता तो उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, एक्सीडेंट। कारण जब पता नहीं होता तो एक्सीडेंट कहते हैं, एक्सीडेंट हुआ। तो हमारा यहाँ होना ये एक्सीडेंट नहीं है,
ये है अरेंजमेंट, ये क्या है? अरेंजमेंट, वेरी गुड, अरेंजमेंट है, ये व्यवस्था है। ये भगवान ने हम पर की हुई करुणा कि ये अरेंजमेंट, ये व्यवस्था है। सब लगता है कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। कन्हैया ने हमारा चयन किया हुआ है, हमारा कुछ सिलेक्शन इलेक्शन, कृष्ण की चॉइस के कारण ही हम यहाँ है, वृंदावन में है, वृंदावन में, वृंदावन धाम की, कहा हो आप? वृंदावन में, कहा हो? वृंदावन में, वृंदावन में, आई एम इन वृंदावन, आई एम इन वृंदावन। सो थैंक यू, थैंक गॉड कहते, थैंक गॉड, अंग्रेजी वाले लोग लोग कहते थैंक गॉड, उन्होंने बचाया हमें या कुछ, या छप्पर फाड़ के कुछ दे दिया इतना सारा, थैंक गॉड। उस भगवान के आभारी है हम। तो एक बहुत बड़ी घटना हमारे साथ घट रही है, हम उपस्थित जीवों के साथ घटना घट रही है, भगवान की कृपा हो रही है, हुई है, और वे कृष्णा हमको अपने धाम अपने घर ही ले आए हैं। हरि बोल, कुछ अच्छा नहीं लगा आपको? अरे वाह, अरे वाह, तो हो क्या रहा है आपको थोड़ा समझना, हो क्या, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो क्या रहा है? मैं जो वृंदावन में पहुंचा हूँ, हुआ क्या? कुछ कुछ हुआ है, कुछ विशेष घटना हमारे जीवन की, और वैसे इस जीवन की नहीं, कई सारे जन्म जन्मांतरों के उपरांत हम वृंदावन अब हमें पहुंचाया गया है। ये बहुत बड़ी घटना है, हम सभी जीवों के जीवन की ये घटना है, बहुत बड़ी घटना है, इसको लाइटली नहीं ले सकते, वेरी सीरियस, और बड़ी गंभीर और बड़ी वैसे मधुर भी घटना है कि हम वृंदावन पहुंच गए। तो हुआ तो कितने सारे जन्मों से और फिर मृत्यु भी हुए, बहुनाम जन्मनाम अंते, फिर ये होता है, या पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के बाद ये होता है, या बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि के बाद अब हम वृंदावन पहुंच गए। तो बहिर्मुख होके भोग वांछा, भोग की वांछा करता हुआ जीव, बद्ध जीव सारे ब्रह्मांड भर का भ्रमण कर रहा था, हम भी कर रहे थे, किए हुए है,
हम जा रहे थे यंत्रा रूढ़ानी मायया, माया के दिए हुए यंत्र में विराजमान होके ये शरीर ये यंत्र है, और फिर कई अलग अलग प्रकार के 84 लाख प्रकार के यंत्र है, उन यंत्रों में बैठ के हम प्रवास कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, यात्राएं कर रहे थे, ट्रैवलिंग चल रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ जा रहे थे। फिर फाइनली पहुंच गए हम लोग। कहाँ पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए। हमारे सारे भ्रमण का ये वैसे अंतिम गंतव्य स्थान है। यहाँ से कहीं आगे जाना आना नहीं है। जीना यह, अब मरना यह, इतना तो, इसके सिवा क्या जाना का। ओके, अभी अच्छा है। इस प्रकार से हमें धाम के साथ हमारा जो संबंध है उसको स्थापित करना चाहिए। हम यहाँ पहुँच गए, स्थान वृंदावन पहुँच गए, तो हमारा घनिष्ठ और शाश्वत संबंध है इस धाम के साथ। यही से प्रस्थान किए थे, यही से बिछुड़ गए, फिर भूले भटके जी भ्रमण करते 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 पुनः कृष्ण की कृपा से बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड प्रभुपाद, पुनः हम भगवत धाम लौटे हैं, जो भगवान का भी धाम है और फिर हमारा भी धाम यही है, हमारा भी देश यही है, हमारा भी घर यही है। ऐसे केवल कह रहे कि सोच के कह रहे हो? थोड़ा सोच के कहो। मैं थोड़ा सोच के कहने का प्रयास कर रहा हूँ, या जो जो सत्य है, सत्य के सिवा और कुछ नहीं कहने का प्रयास हो रहा है, तो ये सत्य है। तो इस पर विचार करो, सत्य को स्वीकार करो, सत्य का विचार, विचार का मंथन, फिर विचार के बाद आचार, फिर आचार के साथ प्रचार भी करोगे आप। वृंदावन धाम की। तो ये धूल भी अपने मस्तक पर उठा लो, जो गीत गाया जा रहा था उसमें भी। इसके साथ कृष्ण से, कृष्ण का स्पर्श भी हो जाता है। सभी ने तो नहीं उठाई धूप, आपने सोचा होगा इतना सुंदर मेरा शरीर, अभी अभी नहा धो के आया मैं, और वस्त्र भी इस्त्री किए हुए वस्त्र पहने हैं, और धूल फेंकूं मैं, धूल उठाओ। ये धूल तो चिंतामणि है, चिंतामणि, इसी से शोभा है। यही अलंकार, श्रृंगार, द बेस्ट पाउडर यही है। जिस धूलि को भगवान स्पर्श किए हैं,
अपने चरणों का स्पर्श। यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः, वहाँ ब्रज में भी, ब्रज के गिरिराज में भी गिरिराज को भी स्पर्श किए कृष्ण बलराम के चरणों ने। ऐसे सारे ब्रज के रज को भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श किया हुआ है। आप जब बैठे हो यहाँ पर भी भगवान आए हैं, आते हैं, खेलते हैं, ये खेलन बन है। और यहाँ के हर धूली के कण 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 में भगवान, इस कण में भगवान है, या इन कणों को, इस रज को भगवान ने स्पर्श किया हुआ है। तो जिस रज को भगवान के चरणों ने स्पर्श किया है, उस रज को हमने स्पर्श किया तो क्या हुआ? हमारा भी स्पर्श हुआ भगवान के साथ, कांटेक्ट, संपर्क हुआ, संपर्क। हरि हरि, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। तो कन्हैया, पूरा सारा वृंदावन ही खेलन बन है, खेलन बन। क्या भगवान क्या करते हैं? खेलते हैं। भगवान को कुछ काम धंधा है नहीं, तो कोई जॉब है नहीं। उनका जॉब या काम धंधा क्या है? खेलना, बस। इसीलिए उसको लीला कहते हैं, लीला। भगवान लीला करते हैं, लीला खेलते हैं। बिहारी, बिहारी का दर्शन किए, विहार करते हैं, कुंज बिहारी। कुंज भी देखे आपने, वहाँ के जो वृक्षावल्ली वृक्ष, विशेष वृक्ष है कुंज, वो नीचे झुके हुए हैं, ऐसे ऐसे खड़े नहीं है अहंकार के साथ, झुके हुए भाव के साथ। भाव इतना भारी है उन वृक्षों में, वो भारी भाव उनको झुकाता है। और वे भी यहाँ की रज अपने सिर पर उठाना चाहते हैं। कुछ वृक्ष देखे कि नहीं आपने? विशेष वृक्षावली का आपने यहाँ कुंजिया कुंजों का दर्शन किया होगा। तो राधा माधव कुंज बिहारी, तो राधा माधव के, राधा के साथ माधव और गोपियाँ भी यहाँ कुंज विहार करती हुई वहाँ आगे बढ़ी। कौन सा घाट? राम घाट, शिर घाट की ओर। तो गायों को चराने भी यहाँ, ऐसे भी वनों में यहाँ पर भी गायों को चराते, आपने काफ़ी गाय भी देखी है। और कृष्ण से गोपाल भी बने, वत्सपाल थे, वत्सपाल के बन गए गोपाल बन गए। कब बने? कल बनेंगे गोपाष्टमी। आज सप्तमी, आज सप्तमी है, कल होगी अष्टमी। तो कल के दिन, आज तक वे वत्सपाल ही है, कल बनेंगे गोपाल। तो गोपाल बन के कन्हैया यहाँ आते हैं, जो हुआ आपने कुंड देखा, तालाब देखा। हरे कृष्ण, हरी 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 हरी,
सोना प्रारंभ हुआ आपका शरीर। क्या हुआ? तो गाय यहाँ चरती भी है इस सारे वन में, हरा भरा घास खाती है, वनात वनम, एक वन से दूसरे वन जाती है, दूर तक घास खाती हुई जाती है। तो फिर कन्हैया उन सब को पास में बुलाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। कन्हैया ही स्वयं गायों को दूसरे वन में ले जाना चाहते हैं, तो इकट्ठा करना होगा सब गायों को। या सायंकाल हो गई तो गोधूली बेला, वृंदावन लौटने का समय हो गया। वृंदावन मतलब कहा नंदग्राम लौटने का समय हुआ। तो सारे गायों को बुलाने के लिए कैसे बुलाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं, तो स्पीकर भी पेड़ के ऊपर लगाते हैं ना, कोई स्पीकर है तो पेड़ दूर दूर तक आवाज़ पहुंचे। तो कन्हैया पेड़ पर चढ़ते हैं, और वहाँ वहीं से अपनी मुरली बजाते हैं, बंसी वट या अक्षय वट, या कुछ दूरी पर अक्षय वट भी, विशेष वट प्रक्ष। तो कन्हैया मुरली बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, कैसे मुरली बजाते होंगे? कन्हैया मुरली बजाते हमको हार डाल रहे हैं। उस कलाकार कन्हैया को तो उस मधुर मधुर मुरली की नाद सुन के ये सारी गाय इकट्ठी हो जाती है, पास में आ जाती है। कन्हैया की 9 लाख गाय हैं। नंद गोधन रखवाला, नंद गोधन रखवाला कन्हैया कैसे है? नंद गोधन रखवाले कन्हैया सारे गायों को बुलाते हैं, लेकिन सभी पहुंची का नहीं पता लगवाने के लिए रोल कॉल होता है। जैसे जब स्कूल प्रारंभ होता है तो शुरुआत में टीचर क्या करते, नाम एक एक नाम लेते, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, पटेल, यस पाटिल, यस शिंदे, यस। तो कन्हैया भी एक एक गाय का नाम पुकारते हैं, उन्होंने रखे हुए नाम, गाय के नाम रखे हैं। 9 लाख गायों के कम से कम 9 लाख नाम तो है, कुछ गायों के अधिक भी नाम होंगे। कोई चंद्रिका है तो कोई धवली है तो कोई पिवली है तो कोई मृदंगमुखी ही है। कुछ गायों का मुख कैसा है? मृदंग जैसा है, मृदंग जैसे मृदंगमुखी कहते हैं। तो एक एक का नाम पुकारते हैं, मुरली से नाम पुकारते हैं। और तो जैसे ही उनका नाम पुकारा जाता है तो गर्दन हिलाती, यस यस आई एम हियर। और फिर कईयों के नाम पुकारे गए, लेकिन बीच वाली गाय का नाम अभी तक पुकारा नहीं, तो मेरा नाम तो नहीं पुकारे, मुझे भूल तो नहीं गए कन्हैया। और जब जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है बड़ी खुश हो जाती है, मेरा भी नाम पुकारा। उसके कान फिर ऊपर उठते हैं, उनकी पूछ आगे और पीछे थोड़ा नाचने लगती है, यस यस मेरा, हरी वो हरी वो हरी वो हरी वो। तो फिर गाय बैठ भी जाती है,
उस पेड़ के नीचे कन्हैया मुरली बजा रहे हैं और गाय पेड़ के नीचे बैठ के क्या करती रहती है, च्यूइंग द कर्ड कहते हैं, जुगाली करती रहती है। गाय दो बार खाती है, ये पहले खाती है घास और फिर बैठ के उसी को पुनः चर्वन करती है, तो एंटरटेनमेंट भी हो रही है, मुरली भी बज रही है और बैठे बैठे सारी गाय जुगाली भी कर रही है। ऐसे दृश्य भी सभी वनों में उन दिनों में और आजकल भी, आज भी हो गया, ये समय हो गया कोचारण लीला का, ये समय है। कितने बजे प्रारंभ होता है? 8:30 बजे, ठीक 8:30 बजे कन्हैया प्रस्थान करते हैं नंदग्राम से गायों के साथ और अपने मित्रों के साथ। तो एक दिन की बात है, गायों से कुछ गलती हुई। कौन सा अध्याय हो? मुंजाटवी वनात वनम तृणलोभेना, अध्याय संख्या को याद है, मैंने पहले ढूंढ के रखना चाहिए था। ओके, जस्ट टेक अ ओके। तो क्रीड़ा सक्तेषु गोपेषु, जब कृष्ण जब इसी क्षेत्र में क्रीड़ा में आसक्त थे, बाला अवस्था क्रीड़ा आसक्त, बालकों को क्रीड़ा अच्छी लगती, सारे बालक हम खेलेंगे, छुट्टी मिलते ही क्या करते हैं, खेलना प्रारंभ करते हैं। तो कन्हैया का सेवा भी चल रहा है, गोचारण की सेवा भी हो रही है, साथ साथ कन्हैया खेल भी रहे थे। तो स्वैरम चरन्त्यः, तो गाय उस दिन थोड़ी स्वैराचारी, स्वैराचार बन गई और थोड़ी देर के बाद विभिषूत्रण लोभे न गह्वरम, तो वह तो घास के लोभ से वे एक बन से दूसरे बन, उसकी उनकी पूछ या पीठ कृष्ण की ओर और मुख घास की ओर, तो घास के लोभ से वो कृष्ण से दूर गई स्वैराचारी बन के, परमिशन वगैरह नहीं ली, विदाउट परमिशन, बिना परवाना ही चली गई। तो उस दिन फिर बड़े परेशानी में आ गई ये सारी गाय, और कन्हैया और मित्रों ने भी देखा कि गाय तो कुछ समय पहले तो चर रही थी यहाँ, लेकिन दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है गाय, कहाँ है गाय। तो कन्हैया और उनके मित्र भी गायों को खोजते जा रहे थे, कैसे खोजे, घास जहाँ जा, कटा हुआ घास, खाया हुआ घास, कुछ खाया कुछ कुछ पड़ा हुआ है उसको भी देखा, और गायों के चरणों के चिन्ह भी देखे, उसको उसका अनुसरण करते आगे बढ़ रहे थे। तो अंत में उनको गाय तो मिल गई, जिसको कहा है गोधनम, गाय नहीं मिल रही, गायों के बिना कैसे जी सकते, गाय तो हमारा धन है। तो गायों को खोज रहे थे, तो गाय अंत में मिल गई, लेकिन वो धूप के दिन थे तो और समस्या खड़ी हुई, बाम्बू के घिसने से क्या होता है, चिंगारी पैदा होती है और फिर आग लग जाती, फॉरेस्ट फायर, तो आग भी लग गई और फिर हवा भी, तूफान हवा भी बह रही थी, उससे फैल गई आग सर्वत्र, और इसके कारण सारी गाय और फिर मित्र भी
बड़े संकट में फंस गए। तब सभी कहने ही लगे, त्राही माम पाही माम, बचाओ 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 कन्हैया, बचाओ कन्हैया बचाओ। यह और किसी के पास नहीं जाते, पुलिस को फ़ोन नहीं करते, वे परेशानी में है, या कोई वकील को नहीं बुलाते, डॉक्टर पर उनका भरोसा नहीं होता ब्रजवासियों का। जब भी कोई समस्या है तो किसके पास पहुंचते हैं? कन्हा कृष्ण के पास। ऐसे गर्ग मुनि बताए भी थे, जब कोई परेशानी है तो ये बालक आपकी रक्षा करेगा, इसके पास पहुंच जाओ। तो कन्हैया ने भी देखा, अपने सारे मित्रों को परेशानी में देखा, गाय गाय परेशानी में है। तो कृष्ण कहे, मित्रो निमीलयत लोचनानी, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो माँ भैष्ट, और डरना नहीं, आंखें बंद करो। आपने आंखें बंद की? नहीं, आप कोई परेशानी में नहीं हो। तो सभी ने जब आंखें बंद की, पूरा अवश्य रक्षिवे कृष्णा, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, ये विश्वास उनका, दृढ़ विश्वास, शरणागति का लक्षण भी है। वो तो सारे शरणागत थे और शरणागत वत्सल है, जो भी शरण में आते हैं उसका, उसके प्रति वात्सल्य भगवान का, शरणागत वत्सल। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सुचहा, डरना नहीं। जो कन्हैया गीता के अंत में कहे ही है। तो सभी ने जब आंखें बंद की तो कन्हैया ने क्या किया, वो सारी आग को कन्हैया पी गए। और कन्हैया आंखें खोलो, आंखें खोलो, ओपन योर आईज। तो सभी ने आंखें जब खोली तो वह आग नहीं थी, अरे वह ठंडक थी। संसार दावा न ललित लोका, आप कहोगे हम तो आग से सुरक्षित सुरक्षित है, लेकिन नहीं, आप हम कोई सुरक्षित नहीं है। संसार दावा नल, तो यह जब दावा नल हुआ या आग लगी तो उसका पान, दावा नल पान लीला, उस दावान का, दावा नल का पान किए कृष्णा। और जो पी लिए तो भगवान ने वैसे कहे, अग्नि तुम बाहर क्या कर रही हो, आ जा, तुम्हारा स्थान तो मेरे मुख में है, बाहर क्यों भटक रही हो, अंदर आ जाओ, अपना स्थान ग्रहण करो। और आंखें बंद करने के लिए इसीलिए भी कहा, क्योंकि ये भगवान ने क्या किया, उस भगवान स्वयं ही आग को पी लिए। इसको सभी देखते तो सबको अचरज होता, और ये कोई देवता या भगवान तो नहीं है। जय जगदीश हरे, फिर उनकी आराधना प्रारंभ करते, उनके चरणों में गिर जाते। तो भगवान ऐसा नहीं होना, होने देना चाहते थे। उनका जो अपने मित्रों के साथ फ्रेंडशिप, मित्रता का जो संबंध है, उसी को बनाए रखना चाहते थे। अपना जो ऐश्वर्य है भगवान इस वृंदावन में छिपाते, अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं और अपने माधुर्य को प्रकाशित करते हैं। माधुर्य लीला, मधुर लीला, तो ये जो वात्सल्य है ना, सख्य भाव है, सख्य भाव, ऐसे गायों के साथ भगवान का वात्सल्य संबंध है, और मित्रों के साथ भगवान का सखा सख्य भाव है। तो उसको बनाए रखने हेतु भी भगवान कहे, हाँ तुम देखना नहीं, मैं अब जो भी करूँगा, हाँ तुम आंखें बंद करो,
इसलिए सबको आंखें बंद करने के लिए कहा था। तो वैसे भगवान ने आग पी ली और आग भी नहीं रही, और जब सभी ने आंखें खोली तो देखा कि भगवान ने उन सभी को वही पहुंचा दिया था, गायों को और मित्रों को भी, जहां पहले वे खेल रहे थे। कृष्ण कन्हैया लाल की। कई प्रकार के खेल कन्हैया खेलते रहते हैं, जैसे आप लोग भी, हम लोग भी जैसे छोटे होते हैं तो कई प्रकार के खेल खेलते हैं। बंदर देखा तो आप क्या करते हो, आप लोग उसको तो चिढ़ जाता है फिर, हैं, या बंदर छलांग मारता है तो छोटे बच्चे भी छलांग मारते हैं, या कोई मेढक कन्हैया अभी कोई मेढक को देखते हैं तो मेढक के पास जाके बैठते हैं, मेढक ने छलांग मारी तो वो भी छलांग मारता है, या मयूर जैसा उड़ान करने का, उड़ान भरने का खेल कन्हैया खेलते रहते हैं। फिर गेंद का खेल है, द बॉल, इसी क्षेत्र में तो खेल ही खेल। फिर नौका विहार भी होता है, या फिर जल क्रीड़ा भी होती है, फिर यहाँ पर या जमुना में अपनी मुरली बजाते हैं, तो जमुना पास में ही है तो मुरली की नाद जमुना मैया की, जमुना जब सुनती है मुरली की नाद को तो उसमें भी तरंगे बढ़ने लगती है, वो स्तब्ध जमुना क्षुब्ध हो जाती है, कई सारी तरंगे। ऐसे उन्होंने जब देखा उनके तट पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए तो जमुना का क्या हुआ, क्या कहा, हाँ जमुना उठोले, जमुना उठोले, ऐसे जमुना उठने लगी और आगे बढ़ने लगी। क्या करना चाहती थी, चरण धोया है, मेरे प्रभु आ गए, मेरे स्वामी आ गए, मेरे स्वामी आ गए। तो गौर सुंदर आए थे, यहाँ भी आए थे, फिर जमुना के तट पर भी वे पहुँचे थे, क्योंकि यहीं से थोड़ा आगे से फिर जमुना को क्रॉस करके पार करके दूसरे वन, भांडीर वन, खदीर वन, भद्र वन, वैसे भद्र वन, भद्र वन जाना है, यात्री जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भी जमुना पार करने के लिए पहुँचे तो जमुना ने देखा तो जमुना बड़ी रोमांचित हुई और भगवान के चरणों को धोने के लिए आगे बढ़ी। उसके जल में जो कमल के पुष्प है, फूल है, उसको मानो वो अपने हाथों से, लीजिए लीजिए प्रभु आपके चरणों में मेरा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या, भक्तिपूर्वक मैं अर्पित कर रही हूँ, स्वीकार कीजिए मेरा जल या मेरे फूल या। तो जमुना भी बड़ी प्रभावित हो जाती है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर क्या अजनी उजनी, हाँ क्या उजनी ऐसा कुछ नाम है, तो वहाँ पर जमुना ने जब भगवान के मुरली की नाद को सुना तो बड़ी संभ्रमित हुई और उसने, उसका बहना जल का प्रवाह बंद हो गया और वही पर गोल चक्कर काटने लगी, गोइंग राउंड एंड राउंड, और वही पर उल्टी दिशा में वो बहने लगी,
मुरली के नाद के श्रवण से। मुरली की नाद मतलब कृष्णा पास में है, कृष्णा है, कृष्णा है, तो कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। जब यमुना भी सुनती है मुरली की नाद को तो रोमांचित होती है। कभी कभी कन्हैया और उनके मित्र और गायों की सेवा में, जैसे कन्हैया को यमुना को पार करना है, जब यमुना जान जाती है अरे प्रभु अब पार करना चाहते हैं, भद्र बन जाना चाहते हैं, तो यमुना का जो जल है, जो द्रव है, द्रव लिक्विड है, वो सॉलिड बन जाता है। द्रवीभूत यमुना घनीभूत हो जाती है, बर्फ बन जाती है। तो फिर उसके ऊपर से सारी गाय 9 लाख कृष्ण की, औरों की भी लाखों गाय है, वो सारी वॉकिंग ऑन द वॉटर, हाँ जल के ऊपर से चल के जा रही है। कन्हैया भी जा रहे हैं, ग्वाल बाल भी जा रहे हैं मुरली बजाते हुए, यमुना मैया के। तो यमुना कई प्रकार से कृष्ण भावना भावित, तो यमुना मैया कन्हैया की सेवा में कई प्रकार के सेवा, तो उसी राधा माधव कुंज बिहारी, तो कुंज बिहार के उपरांत या यमुना तीर बनाचारी के उपरांत, जब थोड़े रास क्रीड़ा करते हुए थोड़ा परिश्रम भी होता है, रास क्रीड़ा डांसिंग फॉर आवर्स, कई घंटों तक, केवल कुछ मिनटों तक नहीं, कई घंटों तक रास क्रीड़ा हो रही है, तो परिश्रम के बिंदु स्वेद बिंदु पसीने पसीने हो जाते हैं, कृष्ण भी और राधा भी और गोपियाँ भी, तो हुआ तो फिर स्नान के लिए फिर वही क्रीड़ा हो जाती, जल क्रीड़ा हो जाती है, यमुना में प्रवेश करते हैं और कई प्रकार की जल क्रीड़ाएँ होती है यमुना में। हम परिक्रमा के भक्त विश्राम घाट में देखे आप यमुना को, विश्राम घाट याद है आप, वह आपने संकल्प किया यमुना जल को स्पर्श करते हुए, वहाँ से आप बिछुड़ गए, यमुना से दूर 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 जा रहे थे और गोलाकार ऐसा राउंड मार के अब पुनः यमुना मैया के, यमुना के तट पर, शेरगढ़ वैसे यमुना के तट पर ही, और फिर राम घाट भी यमुना के तट पर, और फिर आज जहाँ रहोगे वो घाट भी चिरघाट, यमुना का पुनः दर्शन आप सभी यात्रियों को भी आज होगा। तो कभी भगवान गायों को यमुना के ऊपर से ही चला के ले जाते हैं, कभी कभी बुजुर्ग लोग भी मदद करते हैं गायों को पार करने के लिए। वैसे जब दिवाली के दिन वो शिफ्ट हुए थे गोकुल से वृंदावन आए, तो जब यमुना को पार करना था तो बुजुर्ग गोपों ने बछड़ों को अपने कंधे पर लिया था और जल में वो तैर रहे थे, कई असंख्य हजारों लाखों ब्रजवासी एक एक दो दो बछड़ों को कंधे पर लेके तैर रहे थे, और फिर उन बछड़ों की माँ पीछे पीछे, फिर बछड़ा जहाँ भी जाता है गाय पीछे पीछे आती है, तो गाय तैर के आ रही थी, तो बुजुर्ग
बछड़े को कंधे पर लेके चल रहे थे, ढो के ले जा रहे थे, तो उस बछड़े की माँ बिल्कुल पीछे पीछे तैरती हुई आ रही थी। इस प्रकार क्रॉसिंग हुआ था। ऐसा भी क्रॉस करते हैं तो कभी कभी अक्षय वट अब परिक्रमा के डिवोडी ब्रेकफास्ट के उपरांत जाएंगे, अक्षय वट जाएंगे और भी, तो अभी जमुना के तट पर ही था एक समय, अब थोड़ा जमुना दूर से बह रही है, तो और भी कई सारे जमुना के तट पर तो कई सारे वृक्ष ही वृक्ष। तो जमुना को पार करने के लिए कन्हैया कभी कभी अपने मित्रों के साथ गाय तो तैर के जा रही है, तो वे पेड़ पर चढ़ते हैं और पेड़ की शाखा पर चलते या नाचते हुए जाते हैं, और वृक्षों की शाखा इतनी लंबी होती है, विशाल और लंबी शाखा, पूरे जमुना का जितना पात्र है, द रिवर बेड। तो चलते हुए जा रहे, चलते हुए जा रहे, बीच में आ गए, जमुना नीचे है, और जा रहे और जा रहे, तो शाखा दूर तक उस पार पहुंच जाती है। तो फिर वहाँ क्या करते हैं, छलांग मार के उतर जाते हैं। हरिबोल। तो इस प्रकार भी ये खेल भी हुआ और काम भी हुआ, क्रॉसिंग का काम भी हुआ। और क्रॉसिंग कैसे, खेलते खेलते नाचते पेड़ शाखा पर चल रहे हैं, चढ़ चढ़ के चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और यमुना को पार कर रहे हैं। राम घाट की परिक्रमा के भक्त तो राम घाट भी गए थे, यात्रा के जो यात्रा बस यात्रा वाले राम घाट नहीं गए ना, तो राम घाट मतलब बलराम घाट, तो बलराम महालीला खेले। चैत्र वैशाख का महीना था, अप्रैल मई मंथ में, जो बलराम ऐसे द्वारिका से आए थे उस समय कृष्ण को वही छोड़ के केवल बलराम ही आ गए, जो कृष्ण बलराम वृंदावन से अक्रूर उनको ले गए मथुरा, मथुरा में रहे 18 वर्ष, वहाँ से दोनों साथ में गए थे द्वारिका और वहाँ रहने लगे थे उनका। लेकिन वे वृंदावन को कभी नहीं भूले थे, कृष्ण और बलराम पुनः वृंदावन आना चाहते थे, ब्रजवासी उनको भूले नहीं थे और कृष्ण बलराम भी कभी नहीं भूलते। वैसे उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, ओ मथुरा मंथरत, मथुरा तो ऐसी है कंचन की नगरी, या तो व्यापार खूब चलते है मथुरा में, लेकिन प्रेम का व्यापार तो वृंदावन में होता है। और वो खेलन बन वृंदावन का, और वहाँ के पक्षी, वहाँ का कलर, वहाँ का सब कुछ एक एक का याद करके वे उद्धव से कह रहे थे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता, मैं ब्रज को नहीं भूल सकता, तो मेरी ओर से जाओ और ब्रजवासियों को बता दो कि मैं भूला नहीं हूँ, मैं लौटने वाला हूँ, मैं लौट जाऊँगा। तो मथुरा से तो उद्धव को ही भेजे थे संदेशा लेके, फिर मथुरा से जब वो द्वारिका गए, वहाँ रहने लगे कृष्ण बलराम, तो वहाँ से
बलराम को भेज दिए। दोनों आना चाहते थे लेकिन द्वारकावासियों ने सोचा कि ये दोनों को भेज देंगे तो हम लोग फिर दोनों के वही रह जाएंगे, दोनों को वही रह जाएंगे, तो एक को भेजते तो फिर वो लौट आएगा। हाँ, तो बलराम को भेजा। तो बलराम वृंदावन में 2 महीने थे, तो नंद बाबा यशोदा सभी से उनका मिलन हुआ और कृष्ण की खबरें सब सुनाए, कुशल मंगल की वार्ता दिए। तो उस बलराम के विजिट के अंतर्गत बलराम की राम घाट पर गोपियों के साथ लीला, गोपियों के साथ रास क्रीड़ा खेले है बलराम। जय बलराम। बलराम ही एक और भगवान है, कृष्ण भगवान एक हुए और दूसरे और एक ही भगवान है जो बलराम भगवान है, जो लीला क्रीड़ा रास क्रीड़ा खेलने में समर्थ है। ऐसी उनकी भगवत्ता है कि भाई राम भगवान रास क्रीड़ा नहीं खेलते, क्योंकि एक पत्नी व्रत है। लेकिन कृष्ण कैसे है, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्य मानम, या तो करोड़ों लक्ष्मिया है, गोपिया है। तो उनके साथ कृष्ण रास क्रीड़ा खेलते हैं और बलराम भी, लेकिन बलराम जो रास क्रीड़ा खेलते हैं, बलराम की अपनी अलग से गोपिया है, तो कृष्ण के गोपियों के साथ नहीं खेलते वे, बलराम की अपनी गोपियों के साथ या लीला खेलने आए यमुना के तट पर। और रास क्रीड़ा तो रात्रि के समय होती है, चांदनी रात थी और पूर्णिमा की रात। वैसे वृंदावन में हर रात्रि पूर्णिमा की रात्रि होती है। यहाँ का चंद्रमा, वृंदावन का चंद्रमा कभी आधा या केवल चंद्र चकोर नहीं होता, पूरा पूर्णेंदु सुंदर मुख उस चंद्र का चंद्रमा का भी होता है। तो उस चांदनी रात के मध्य में यमुना के तट पर बलराम, वो भी पहले थोड़ा वारुणी का पान किए और थोड़ी नशा भी आ गई, आध्यात्मिक नशा, उनकी आंखें ऐसी घूम रही थी बलराम जी की। तो रास क्रीड़ा खेलना चाहते थे लेकिन जहाँ बलराम थे अपने गोपियों के साथ, वहाँ से यमुना कुछ दूरी पर बह रही थी। तो बलराम चाहते थे कि मेरी रास क्रीड़ा अगर यमुना के तट पर ही हो जाए कितना बढ़िया होगा, और आनंद आएगा। तो उन्होंने आदेश दिया, ए यमुने आ जाओ यहाँ पास में, आ पास में। तो यमुना ने उस बात को ध्यान नहीं दिया, तो बलराम बड़े क्रोधित हुए और अपने हल को एक कभी कभी आयुध या अस्त्र की तरह उपयोग करते हैं। देखा कि नहीं मैंने, तुमने देखा मेरा ये हल, मैं हलधर हूँ, तुम नहीं आओगी तो तुमको मैं खींच दूंगा या उखाड़ लूंगा, पास में ले आऊंगा जबरदस्ती। तो ऐसा करके बलराम ऐसे अपने हल से खींच भी रहे थे। तो फिर बलराम कुछ यमुना मान गई, पास में आई
और बलराम जी की रास क्रीड़ा इसी क्षेत्र में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ तक भी इतनी सारी गोपियाँ यहाँ रास क्रीड़ा राम बलराम की हुई, इसीलिए भी उस स्थान का, उस घाट का नाम हुआ राम घाट की। तो वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ जमुना का जो पात्र है, द रिवर बेड, सबसे अधिक चौड़ा है वृंदावन में, और कहीं इतनी चौड़ी जमुना आपको नहीं दिखाई देगी। राम घाट के पास और चौड़ी, क्योंकि बलराम ने खींचा हल से तो उसका पात्र चौड़ा हुआ और बलराम या रास क्रीड़ा खेले। हरी हरी। इस प्रकार अनंत भगवान की अनंत लीलाएं, अनंत मधुर लीलाएं सारे ब्रज भर में और इस खेलन वन में, रामघाट परिसर में, अक्षयवट परिसर में, और फिर या वस्त्र हरण चोरी चोरी हुई वस्त्रों की कौन सा घाट, चिरघाट, चिरघाट पर भी भगवान विशेष वहाँ गोपियों के वस्त्रों का चोरी किए। गोपियाँ जब स्नान कर रही थी, अगले महीने में कार्तिक के बाद आने वाला जो मार्गशीर्ष मास है, उस मार्गशीर्ष मास में हर प्रातःकाल को गोपियाँ वहाँ जाके स्नान करती थी और कात्यायनी की पूजा करती थी और प्रार्थना कर रही थी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो ताकि हमें नंद नंद गोप नंद महाराज का जो पुत्र है हमें पति के रूप में प्राप्त हो। हर रोज इनकी स्नान कर रही थी, तपस्या कर रही थी, गुण गा रही थी, उस कन्हैया के प्रार्थना कर रही थी, तो कात्यायनी की कृपा हुई तो हर रोज प्रातःकाल में वहाँ स्नान करती थी। तो एक महीने के उपरांत लास्ट डे हुआ, फिर कृष्ण आए, प्रातःकाल में कृष्ण आए, गोपी स्नान कर ही रही थी, वस्त्र किनारे रखी थी और स्नान कर रही थी, तो कृष्ण ने सारे वस्त्र उठा लिए और पेड़ पर जाके बैठ गए और स्नान के उपरांत जब ढूंढ रही थी कहाँ है वस्त्र, कहाँ है वस्त्र, तो पता चला वस्त्र तो वहाँ है, कन्हैया के पास है, कन्हैया लेके बैठा है, तो आ जाओ बाहर आ जाओ। तो गोपियाँ पूरी शरण में ने लज्जा भी छोड़ दी और पति बनाना चाहती थी तो पति के समक्ष लज्जा किस बात की, या विवस्त्र तो पति के सानिध्य में ही ऐसा संभव है, प्रभुपाद भी लिखते हैं। तो प्रभु भगवान ने सिद्ध किया, हाँ हाँ तुम मुझे पति के रूप में चाहती हो तो आ जाओ, वस्त्र ले लो। तो एक एक करके आती है और सभी को भगवान उनके वस्त्र लौटा देते हैं। तो भगवान बने हैं, सभी के पति बने हैं उस घाट पर। और फिर कन्हैया वहाँ से अपने मित्र थोड़े दूर थे, गायें भी दूर थी, फिर मित्रों और गायों के साथ वहाँ से वहाँ भात्रोण गए थे। भात्रोण उसी दिन, भात्रोण याद है, अभी जमुना के तट पर अशोक वन में भात्रोण, जहाँ वहाँ के यज्ञ पत्नियों ने कृष्ण को भात खिलाया था,
क्योंकि उस दिन वो लंच पैकेट भूले तो नहीं थे, लेकिन लाने के लिए पकाने के लिए समय ही नहीं था, क्योंकि 8:30 बजे नहीं गए थे उस दिन, 6:30 बजे गए थे। तो बिना लंच पैकेट ही गए थे, इसीलिए जब आगे बढ़े गाय चराते चराते तो भूख लगी, तो फिर यज्ञ पत्नियों ने भोजन खिलाया था। फिर गोपियाँ वहाँ वस्त्र मिले, वस्त्र पहन लिए, तो अपने अपने घर तो जा रही थी, लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया कि वस्त्रों की चोरी की थी, वस्त्र तो लौटा दिए, लेकिन ऐ इस चोर ने हमारे चित्त की चोरी करके ये चोर चला गया। वस्त्र तो लौटा है, लेकिन ये तो चित्त चोर है, चित्त चोर, चित्त हरि। ये कैसा है? चित्त हरि। तो आप सभी का भी चित्त को भगवान हर ले, अच्छा होगा। तो चित्त को जब हर लेते हैं भगवान, तो वो जो चेतना है, वो जो भावना है, उसी चेतना उसी भावना का नाम है कृष्ण भावना। तो कृष्ण भावना में कृष्ण चित्त की चोरी करते हैं, सारा ध्यान फिर कृष्ण में, और कहीं पर ध्यान नहीं, एकाग्र चित्त। तो ऐसी ऐसी कृपा करे भगवान आप सभी पर, हम सभी पर, कि हमारे चित्त की भी चोरी हो जाए और हम भी पूरे कृष्ण भावना भावित हो जाए। तो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो फिर प्राण निकलने का समय आएगा, तो फिर गोविंद नाम लेके, गोविंद का नाम निकलेगा और हम पुनः यहाँ लौट आएंगे। शरीर का तो होगा स्वाहा, होगा अग्नि में स्वाहा, वह शरीर का स्वाहा हो रहा है, लेकिन हमारे आत्मा आत्मा कहाँ लौटेगी? वृंदावन धाम की, यहाँ लौटेंगे हम। गौर प्रेमानंदे हरी हरि ओम।